हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, सडनली मैं एकदम से व्लॉग पे बैक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह पे हूँ जहाँ पे मैं एक साल पहले था। मैं आया हूँ केदारनाथ के लिए, और मेरे साथ अरविंद है और कुछ फ्रेंड्स है जो हमको ट्रेन में मिले थे। लास्ट ईयर गया था और उसके बाद अभी केदारनाथ जा रहा हूँ, और इस बार पब्लिक भी बहुत ज़्यादा कम है और इस बार हम लोग फ्रेंड्स लोग हैं, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और भी बहुत सारी जगह पे जाने वाले। मैंने व्लॉग और कहीं नहीं बनाया, मैं केदारनाथ में व्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं, यहाँ से सामान वगैरह रख दिया है तो निकलते फटाफट। तो गाइस, आप भी आओ, जो आपका लगेज वगैरह हो ना वो सोनप्रयाग में रख देना, और यहाँ पे 24 घंटे के मतलब 100 रुपीज़ ऐसे ही कुछ लेते हैं, आपके बैग के हिसाब से होगा, 100 या 150 रुपीज़ लेते हैं, और आपको दिखा देता हूँ जब जहाँ पे हम लोगों ने बैग वगैरह रखे हैं। तो गाइस, ये आपने रील्स वगैरह में देखा होगा सोनप्रयाग का, मतलब जो एरिया है, ये यहाँ के एग्जिट सामने ये वाला है, यहाँ पे लॉकर है, वहाँ पे हम लोगों ने बैग वगैरह रख दिए। तो यहाँ से निकलते हैं, अभी टाइम हुआ है 1 सेकंड, रात के 7:21, तो निकलते हैं अभी। इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि रात में ट्रैक कर लेते हैं, तो सुबह वहाँ पे पहुँच जाएंगे, पूरा दिन भी रहेंगे, रात की आरती भी देखेंगे, और सुबह 4 बजे या इतनी समथिंग, मुझे आइडिया नहीं है कितने बजे आरती होती है, वो भी आरती देखने को मिलेगी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं फटाफट से, और इस बार पब्लिक भी कम है और ठंड भी कम है और बर्फ़ भी कम है, तो निकलते हैं। तो हे गाइस, हम लोग रात को ही ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है, तो अभी समथिंग 9:30 बजे, और हम लोग फटाफट चलने का ट्राई करेंगे और सुबह की आरती भी देखेंगे केदारनाथ की। तो चलते हैं, व्लॉग कम बना पा रहा हूँ, सांस फूल रही है थोड़ी बहुत। तो हे गाइस, अभी हम लोग है ना, हमको बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने 15 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी हम लोगों ने मैप में जब देखा ना, तब दिखाई दिया कि 9.5 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है। हमको खुद को बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने पौने तीन घंटे में हम लोगों ने 15 किलोमीटर का ट्रैक चल लिया है। हम सबसे आगे और वो सब लोग पीछे है, तो अच्छा लग रहा है। और फटाफट थोड़ा ऊपर चलते हैं और वहाँ पे जाके चाय नाश्ता करते हैं। अभी 12 भी बजने वाला है और हम लोगों ने बहुत अच्छा खासा रास्ता तय कर लिया है, और चलते हैं फटाफट ऊपर। और इतनी ज़्यादा थकान नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और थोड़ा बैठना चाहिए, आराम मिलता है। तो अभी चलते हैं ऊपर और थोड़ा आगे जाके नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो गाइस, अभी थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए रुके और नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। हम लोग कुछ नाश्ता लेके भी आए हैं और यहाँ से भी कुछ ले लेते हैं और चाय पी लेते हैं। वैसे मैं नॉर्मली चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन पी लेते हैं, थोड़ी राहत मिलेगी। तो गाइस, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह तो कर लिया है, लेकिन नाश्ता करने के बाद ठंड ज़्यादा लग रही है और थकान भी, क्योंकि नाश्ता कर लिया है तो थोड़ी नींद टाइप आ रही है। लेकिन हम लोग पहुँच के रह गए, क्योंकि सुबह 5 बजे या 4 बजे के आसपास वहाँ पे पूजा होती है सुबह सुबह, उस पूजा में हम लोग भी ज़रूर से रहेंगे। तो हम लोग फटाफट चलने का ट्राई करते हैं, और ठंड ऊपर जाते और वैसे ज़्यादा ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन जाएंगे फटाफट जाएंगे। तो हे गाइस, अभी पता नहीं कहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, ये पक्का है, और कल ही हुई है, अभी अभी लैंडस्लाइड हुई है ऐसा लग रहा है, मतलब कल या 2 दिन पहले। ये बेचारा अकेला थका हारा खच्चर, वजन दे जा मेरे भाई। हम लोग बहुत ज़्यादा हाइट पे है भाई, बहुत ज़्यादा। रात में दिख नहीं रहा, सुबह आपको सब व्यू दिखा होगा, इसलिए मैं रात को कम व्लॉग बना रहा हूँ। गाइस, शूज और पैंट की हालत देखो, और अरविंद की भी। तो ही गाइस,
फाइनली केदारनाथ का जो मेन मंदिर है वो बस 1 किलोमीटर बाकी रह गया है, और वो सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि अरविंद भी जो मेरे साथ था वो भी हिम्मत हार गया और वो भी 4.5 किलोमीटर के आसपास वहीं पे रुक गया था। मुझे 5 बजे की आरती ज्वाइन करनी है, मतलब करनी है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा फास्ट चल के आया हूँ, बहुत कम रुका हूँ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कम। तो यही रीज़न है कि अभी मैं अकेला हूँ और बाकी सब लोग पीछे। और गाइस फाइनली मुझे केदारनाथ मेन मंदिर के ऊपर के ध्वजा के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। फटाफट चलते हैं। तो हे गाइस फाइनली मैं केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने पहुँच चुका हूँ, और गाइस फीलिंग्स मैं बता नहीं पा रहा हूँ और एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि मेरी फीलिंग्स अभी कैसी है, इमोशन वगैरह सब कुछ मिक्स हो गया है। और अब खुद ही देख लो कि सुबह सुबह का केदारनाथ का नज़ारा कैसा होता है, और यहाँ पे तो एक अलग ही सुकून होता है, जो केदारनाथ मंदिर के सामने है वो सुकून और कहीं पे भी नहीं है। भाई अपने साथ है ना रेनकोट वगैरह जरूर से लेके आना, क्योंकि यहाँ के मौसम का कोई भी भरोसा नहीं, 1 सेकंड में बारिश गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। और सच्ची बोलूँ तो पिछली बार मैं आया था ना तो ग्लव्स वगैरह लेके आया था, इस बार मुझे रास्ते में बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है ग्लव्स वगैरह के हाथ में, और मैंने कपड़े भी इतने ज़्यादा गर्म नहीं पहने थे, ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ठंडी नहीं थी। लेकिन जैसे ही ऊपर आया ना ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मेरे हाथ भी पूरे जाम हो चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा ये भट्टी टाइप कुछ है वहाँ पे पास खड़ा हूँ। मैंने पूछा होटल वाले भैया को कि प्लीज़ थोड़ा सेक सकता हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है ओके। तो अभी बारिश भी स्टार्ट है और अरविंद भी आ गया है, तो अरविंद आता है तो फिर हम लोग टेंट लगाते हैं। तो गाइस फाइनली अरविंद भी मेरे 1 घंटे के बाद आ चुका है। हम लोगों ने अपना टेंट तो बांध लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि हम लोग है ना कुछ लेके नहीं आए थे, मतलब ब्लैंकेट्स वगैरह वो सही टाइप के, और ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने यहाँ का टेंट ही किराए पे ले लिया और यहीं के टेंट के अंदर रुके हैं हम लोग, और यहाँ पे गद्दे वगैरह मिले, थोड़ा अच्छा लग रहा है और अभी ठंड कम लग रही है, वरना हमारे टेंट के अंदर तो हम लोग कुछ बिछाने के लिए वगैरह लेके नहीं आए थे, इसलिए गर्म मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो यहाँ पे रुके हैं, अभी दर्शन करने भी जाएंगे, घूमने भी जाएंगे, तो चलो थोड़ी टाइम में चलते हैं। हे गाइस एक ब्यूटीफुल व्यू दिखाओ। गाइस हम सुबह से दर्शन करने के लिए अंदर नहीं गए थे, फोटोज वगैरह क्लिक किए
ऊपर भी गए, ऊपर भी फोटोज वगैरह क्लिक किए, अंदर नहीं गए थे दर्शन करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। और हमारा नसीब इतना ज़्यादा अच्छा है कि अभी इतनी भी पब्लिक नहीं थी और हम लोग एकदम से फटाफट 2 मिनट के अंदर अंदर चले गए, दर्शन कर लिए। और गाइस मैंने अंदर का वीडियो भी शूट किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और मैं पकड़ा भी गया था, मुझे पकड़ा भी था और उन्होंने डाटा भी, लेकिन मैंने वीडियो डिलीट किया, लेकिन डिलीट फाइल में से वापस ले लिया। बहुत ज़्यादा मेहनत से मिला है वो वीडियो, आपको भी दिखा होगा, आप भी दर्शन कर लेना और कमेंट में जय श्री केदारनाथ लिख देना। और गाइस दर्शन करने के बाद फीलिंग बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की है, वर्ड्स में नहीं बता सकता। एक साल पहले आया था तभी भी यही बोला था, और रियली गाइस आप भी आओगे तो आप भी यही बोलोगे कि आप वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि अंदर की फीलिंग्स क्या थी दर्शन करने के बाद, आंखों में आंसू आ गए सच्ची। और गाइस काफ़ी सारे लोगों को पता है कि ये है भीमशिला, जब 2013 में वो सुनामी आई थी तब इस पहाड़ की वजह से मंदिर बच गया था ऐसा माना जाता है। और पिछली बार मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मम्मी वगैरह थे तो फटाफट नीचे चले गए थे। तो है गाइस फाइनली आरती वगैरह करने के बाद अभी हम लोग रात को निकल रहे हैं नीचे जाने के लिए, क्योंकि पब्लिक कम होगी तो आसानी से पहुंच जाएंगे, तो निकलते हैं, बाकी बात नीचे जाके करते हैं। इश्क है